श्रीमद् भगवद गीता भाषा प्रारंभ। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो अर्जुन को श्री भगवान जी ने गीता ज्ञान दिया है सो मुझको मिले। भय भंजन भगवान जी से किशोरदास मांगता है, हे प्रभु गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तेरे पूर्ण ब्रह्म को पाता है, हे प्रभु मैं आपकी शरण में पड़ा हूं। किशोरदास और कृष्णदास जो दीन हैं, गरीब हैं, आप कैसे हो जो संतों की विनय को मान लेते हो। हे प्रभु हे कृपा निधान तेरे संतों एवं भक्तों के वास्ते मैं यह गीता ज्ञान भाषा में कहता हूं। पहला अध्याय। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा मैं भी युद्ध देखने चलूंगा। तब श्री वेद व्यास जी बोले हे राजन नेत्रों के बिना कैसे देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा हे प्रभु जी देखूंगा नहीं तो श्रवण करूंगा। तब व्यास जी बोले हे राजन तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो तुझे यहां बैठे ही श्रवण कराएगा। वेद व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनय की हे प्रभु यहां हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा तथा राजा से किस भांति कहूंगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा हे संजय मेरी कृपा से तुझे यहां से ही दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हो गई। दिव्य दृष्टि साक्षात्कार को कहा जाता है। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं। सुनो सात अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की। ये दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई तब धृतराष्ट्र ने पूछा हे संजय धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगे हे आचार्य देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन भीम बड़े बड़े धनुर्धारी वीर युगधान विराट महारथी द्रुपद धृतराष्ट्र चेकितान बलवान पुरुजित कुंती भोज नरों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु बलवान उत्तमौजा अभिमन्यु व द्रौपदी के पांचों पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आपके स्मरणार्थ अब मैं सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम वर्णन करता हूं। आप भीष्म कर्ण युद्ध विजयी कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में बहुत चतुर हैं और सभी युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना जिसके भीष्म रक्षक हैं अपार बल है और उसकी सेना के जिसके भीम रक्षक हैं थोड़ा सा बल है। अब आप सब अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुवृद्ध भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर चारों ओर शंख नगाड़े ढोल गौमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों के रथ पर बैठे माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंखों को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय नकुल ने सुघोष सहदेव ने मणि पुष्पक तथा महान धनुर्धर काशीराज शिखंडी ने धृष्टद्युम्न विराट अपराजित सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्रों तथा महाबाहु अभिमन्यु
इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी और धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर भगवान से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो संग्राम के लिए यहां एकत्र हुए हैं, उनको देख सकूं। संजय कहने लगे, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री सारथी ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पौत्र, श्वसुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दयाद्र हो अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, हे प्रभु, संग्राम की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल हो रहा है, रोमांच खड़े होते हैं, गांडीव हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे प्रभु, मुझ में खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूं और संग्राम में स्वजनों का वध करके कोई लाभ भी नहीं होगा, क्योंकि हे भगवन, मैं जीत कर राज्य व सुख भी नहीं चाहता हूं। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग और जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे सब संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, श्वसुर, पौत्र, साले और संबंधी, ये सब मुझे मारें तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या होगा, इन आतताइयों का वध करने से पाप ही होगा, इसीलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे प्रभु, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं, सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते, कुल नाश को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे भगवान, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिनसे वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण शंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण शंकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरक वास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लाभ से अपने स्वजनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे शस्त्र रहित एवं उपायहीन को रणभूमि में बांध कर डाल दें तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, ये कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। और यहां पहला अध्याय समाप्त होता है। हम केवल अध्यायों का ही पठन एवं श्रवण करेंगे ताकि हम श्री गीता जी पर ही ध्यान केंद्रित कर सकें। अध्याय के समाप्त होने पर कुछ प्रश्न होते हैं जो
जो स्वाभाविक ही मन में उठते हैं कि क्या अर्जुन को नहीं पता था कि इस युद्ध से पहले उन्हें देखना होगा, उन्हें मारना होगा, और क्या अर्जुन ने पहले युद्ध नहीं किया था? जब अर्जुन का अज्ञातवास यानी पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हुआ था, तब दुर्योधन ने अपनी पूरी सेना के साथ अर्जुन के ऊपर आक्रमण किया था और अर्जुन अकेले ने ही सभी योद्धाओं को परास्त किया था। वो योद्धा पलटकर भाग गए थे, अन्यथा उन्हें तभी प्राण त्यागने होते। फिर युद्ध के समय ही उसके मन में मोह क्यों उपजा और जो बीच में व्यभिचारी शब्द आया, तो यह केवल स्त्रियों पर ही क्यों आया? अव्यभिचार यानी आप एक के हैं, एक के प्रति समर्पित हैं। व्यभिचार यानी एक से दूसरे पर पहुंच गए आप। भक्ति भी तो अव्यभिचारी और व्यभिचारी होती है। यदि आप किसी एक आराध्य पर ही संपूर्ण आस्था निष्ठा रखते हैं तो आप अव्यभिचारी भक्ति करते हैं, परंतु यदि एक से अधिक आराध्यों में, इष्टों में आपकी आस्था है तो वह भक्ति भी व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। तो यह प्रश्न गहरा है ना? प्रश्न पूछेंगे, मनन चिंतन करेंगे तो शायद हमें उत्तर भी मिले। श्री गीता जी के अगले अध्याय के साथ मैं बहुत जल्द आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, गाय जिस तरह जुगाली करती है, श्री गीता जी के इन वचनों की बुद्धि में जुगाली कीजिए। मुस्कुराते रहिए। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।